गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पे बना रही हूँ चाय, सुबह की पहली चाय। यूजुअली आजकल ना हम लोग सुबह के टाइम पे चाय पी नहीं रहे हैं, दीदी आ गई है, शायद डोरबेल बज गई है। सौरभ भी थोड़ा लेट उठ रहा है और वो चाय नहीं पी रहा है, जिस वजह से मैं भी अकेला चाय नहीं पी रही हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मन हुआ तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म दूध वाली चाय। यहाँ पर देखिए क्या है, गर्मी का मतलब इस सीज़न का पहला लीची। सौरभ गया था कहीं बाहर और उसको बाहर मार्केट में लीची दिख गया, तो यहाँ पे उसने दो बंच लीची लेके आया। दो बंच में एक किलो लीची है और एक किलो लीची का प्राइस क्या है? 300 रुपीज़। और मैं जस्ट अभी अभी सुनी हूँ वेस्ट बंगाल में 50 रुपीज़ किलो, 60 रुपीज़ किलो ऐसी लीची मिल रही है, और यहाँ पे एक किलो लीची हमें 300 रुपये से ख़रीदना पड़ा। अभी चलिए खाके ही देखते हैं कि लीची मीठा है या नहीं। चलो, पैसा इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम है नहीं, अगर लीची मीठी हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो पैसा बर्बाद। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में ले लिया है मैंगो और लीची। ये आज हमारा ब्रेकफास्ट आप लोग बोल सकते हो, ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने का मन भी नहीं हुआ और सौरभ ने बोला कि आज फ्रूट्स ही खाएगा, तो मैं भी खा लूँगी आज ना। एक्चुअली गाइज, आज है जामाई षष्ठी, जो कि बंगाली लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, स्पेशली दामाद लोगों के लिए, दामाद यानी जामाई। तो सासू माँ क्या करते हैं ना गाइज, आज के दिन बहुत सारे टाइप के खाना पीना बना के अपने हाथों से दामाद को खिलाते हैं, जिसमें से ये लीची और मैंगो भी एक मेन हिस्सा लेते हैं इस जामाई षष्ठी में, जिस वजह से आज सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने मैंगो और लीची ही खाए हैं। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं तुरंत आ गई हूँ किचन में बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रिज में थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो सौरभ काफ़ी दिन से बोल रहा था थोड़ा चिली चिकन और फ्राइड राइस बनाने के लिए, तो आज सोची हूँ कि थोड़ा चिली चिकन और फ्राइड राइस ही उसको बना के देती हूँ। वैसे जामाई षष्ठी है, कुछ स्पेशल बनाना तो बनता ही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चिकन के पीसेस मैंने ले ली है, छोटा बड़ा सब कुछ मिला के ही यहाँ पे है। तो नमक डाल दी है मैंने, उसके बाद थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, वैसे ये ऑप्शनल है। डार्क सोया सॉस आपको थोड़ा सा डाल देना है, लगभग एक चम्मच के आसपास। यहाँ पे 500 ग्राम चिकन है, तो उस हिसाब से मैं मेजरमेंट आप लोगों को बता रही हूँ। एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले ली है और एक अंडा ले ली है। अगर आप चाहो तो अंडे का जो योक है ना, इसको आप निकाल के फेंक भी सकते हो, लेकिन मैं फुल एग ही डालती हूँ। और कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच, इतना ही काफ़ी है। तो सारे चीज़ों को अभी अच्छे से मैरिनेट कर लेना है चिकन के साथ और छोड़ देना है कुछ देर के लिए, लगभग आधा घंटा या 45 मिनट्स रेस्ट पे रखना है। बेसिकली इसको ढक के एक साइड में आप रख देना। और मैंने यहाँ पे चावल भी भिगो दी है, बासमती राइस का फ्राइड राइस मैं बनाऊंगी आज स्पेशली ना, मैं बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस बनाऊंगी, चाइनीज स्टाइल नहीं बनाऊंगी। तो बासमती राइस को मैंने यहाँ पे आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखी है। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ले ली है फ्राइड राइस के लिए, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम, आलू। हाँ, आलू हम लोग डालते हैं गाइस बंगाली फ्राइड राइस में, काजू किशमिश भी हम लोग डालते हैं। ये फ्राइड राइस जो है ना गाइस, इसके साथ आप चाइनीज़ फ्राइड राइस का कोई भी सिमिलरिटीज़ आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप लोग ये रेसिपी घर पे ट्राई करना, अच्छा लगेगा। आज ना एक्चुअली सच बोलूँ तो मुझे थोड़ा सा मन था कि सौरभ को कुछ अच्छा खासा मैं बना के खिलाऊँ। वैसे मेरे पापा हर साल की तरह इस साल भी पैसा भेज दिया है जामाई षष्ठी सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि हम लोग नए कपड़े खरीद सके या तो फिर कुछ अच्छा खासा बना के हम लोग घर पे खा सके या तो फिर रेस्टोरेंट में जाके खा सके। लेकिन आज तो से जामाई षष्ठी वीकडेज में आया है, जिस वजह से सौरभ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएगा बाहर जाने के लिए। और कपड़ा कुछ मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर कर दी है, वो अभी तक आके पहुंचा नहीं है। और मैंने सौरभ को बोला था कि मार्केट से आज थोड़ा मटन या तो फिर हिलशा फिश, मतलब ऐसा कुछ लाने के लिए, लेकिन आज उसका ऑफिस है और वो ना ऑफिस डेज में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इतना हेवी खाना पीना, तो बोला कि सिंपल फ्राइड राइस और फ्रिज में चिकन है, चिकन बना लो और वीकेंड में फिर देखा जाएगा कुछ अच्छा खासा मैं लेके आऊँगा, तो टाइम पे फिर तुम मुझे बना के खिलाना। तो बस इसीलिए उसके लिए ही आज मैं इतना ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ उसके ऑफिस की वजह से, क्योंकि लंच करने के बाद उसको ऑफिस भी जाना है। यहाँ पे देखिए, कल मैं जो नीचे बेसमेंट से फूल लेके आई थी ना, कलिया, वो पानी में रखी थी तो कितने अच्छे से यहाँ पे खिल गई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। जब नहा धो के पूजा करूँगी ना, उस टाइम पे भगवान को चढ़ाऊँगी। एनीवेज, अभी कढ़ाई में मैंने डाल दी है सनफ्लावर ऑयल और उसमें मैं अभी वो जो चॉप वेजिटेबल्स था ना स्पेशली फ्राइड राइस के लिए, वो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग सेपरेटली भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ, वो मेरे लिए इजी होता है। हाँ, पहले ना नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, पहले अगर नमक डाल दोगे ना तो सारे वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें फ्राइड राइस में थोड़ा क्रंची वेजिटेबल चाहिए, जिस वजह से जब आप फ्राइज को निकालोगे तेल से छान के, उससे बस 2 मिनट पहले ही आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना, ज़्यादा नहीं।
चिली चिकन वैसे सौरभ इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसने डिमांड किया कि चिली चिकन बना लो। शायद मुझे पसंद है चिली चिकन और फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन, शायद इसलिए ही उसने बोला कि आज है चिली चिकन और फ्राइड राइस बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा काजू किशमिश भी डाल दी है ऑयल में, इसको भी एक डेढ़ मिनट के लिए फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। तो एक ही साथ रख देती हूँ एक ही प्लेट में, क्योंकि ये तो एक ही साथ चावल में ही मैं डालने वाली हूँ। चावल भी चढ़ा दी हूँ मैं साइड बाय साइड। पानी अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें चावल डाल देना है, थोड़ी सी नमक ताकि चावल में अच्छे से नमक जाए, और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल ताकि ये स्टिकी ना बने। दैट्स इट। अभी जो वेजिटेबल्स मैंने फ्राई की थी ना, उसी ऑयल में ही मैं डाल दूंगी चिकन के पीसेस, यानी चिकन पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बेसिकली जैसे हम चिली चिकन बनाते हैं, चिली चिकन बनाने से पहले तो चिकन के पीसेस को हम लोग फ्राई करते हैं ना, ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट के लिए दोनों साइड अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, उसके बाद निकाल लेना है। कढ़ाई को ढक के पकाने का चिकन बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें ना फिर चिकन से पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा ये ना ग्रेवी ग्रेवी काइंड ऑफ बन जाएगा। लेकिन हमें चाहिए चिकन फ्राई, जिस वजह से इसको खुला ऐसे कढ़ाई में ही पकाना है, ढकने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हर एक साइड मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद इसको पलट के और 2-3 मिनट फ्राई करना है। टोटल 5-6 मिनट का ये प्रोसेस है आप बोल सकते हो। ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज ना ये रबड़ी बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। ग्रेवी में जब इसको आप डालोगे ना, तब वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगा। देखिए थोड़ा लाल लाल हो गया है, मैंने एक प्रेस करके भी देख लिया है और सौरभ ने तो 2-3 टेस्ट करके भी देख लिया है। परफेक्ट बनी है एकदम चिकन, अंदर तक इसका बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से पक गया है। तो अभी चिकन पीसेस को तेल से छान के निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और बाकी के जो चिकन के पीसेस हैं ना वो भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और आप लोगों से बात करते करते ना मैंने यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची सब कुछ चॉप भी कर लिया है, शायद आप लोगों ने देख ही लिया है। प्याज और कैप्सिकम को मैंने स्केल्ड शेप्ड में काटी है, यानी थोड़ा मोटा मोटा जैसे चिली चिकन में जाता है, और थोड़ा सा हाफ प्याज को मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप की है। उसका रीज़न है मैं ना जब भी चिली चिकन बनाती हूँ या मंचूरियन बनाती हूँ ना, उस टाइम पे मैं 2 टाइप के शेप में ही प्याज डालना पसंद करती हूँ। अगर आप चाहो तो वो फाइनली चॉप्ड वाला आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वो डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बात करते करते आप लोगों से सेकंड बैच का भी मेरा चिकन फ्राई करना हो गया है। ये जब चिकन फ्राई होता है ना गाइज हमारे घर पे चिकन मंचूरियन बनाने के लिए या तो फिर चिली चिकन बनाने के लिए, तो थोड़ा कुछ पीसेस ना यहाँ से गायब हो जाता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी एक दो खा लेती हूँ, और सौरभ को तो ऑल टाइम फेवरेट है ये सारी चीज़ें, तो सौरभ भी आके 2-4 पीस उठा के खा ही लेता है। एक में उसको नमक चेक करना होता है, एक में उसको मिर्ची चेक करनी होती है, तो ऐसे ऐसे करते करते ना 2-4 पीसे ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता भी चॉप कर लेती हूँ। धनिया पत्ता वैसे चिली चिकन में मैं नहीं डालूंगी, धनिया पत्ता डालूंगी फ्राइड राइस में। आई नो कि चाइनीज वाला फ्राइड राइस में धनिया पत्ता कोई नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि मैंने बताया कि मैं बंगाली स्टाइल बना रही हूँ, जिस वजह से धनिया पत्ता यहाँ पे मैं डालूंगी। तो चिकन फ्राई करने के बाद जो तेल बचा हुआ था ना, उसको मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल तो मतलब ठीक नहीं है, वैसे भी डीप फ्राई चीज़ें खा रहे हैं। तो ऑयल को थोड़ा कम करने के बाद उसी ऑयल में मैंने चॉप्ड ऑनियन और ग्रीन चिली डाल दी है। उसको बस 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद यहाँ पे स्केल्ड ऑनियन और स्केल्ड कैप्सिकम डाल दी है मैंने। इसको भी 1 मिनट के लिए हल्का सा सॉटे कर लेना है। फिर हमें डालना है थोड़ा सा टोमेटो केचप, लगभग 1 से 1.5 चम्मच के आसपास, और थोड़ी सी डार्क सोया सॉस, ये भी 1 से 1.5 चम्मच के आसपास, और नमक तो बिल्कुल ना के बराबर हमें डालना है, क्योंकि चिकन के पीसेस में ऑलरेडी नमक है, जिस वजह से एकदम ध्यान रखना है नमक का। अगर आप लोग ग्रेवी चिली चिकन नहीं खाना चाहते हो, तो अभी चिकन का जो सिचुएशन है ना, इस टाइम पे आप लोग निकाल सकते हो और इसको आप सर्व कर सकते हो। ये ड्राई चिली चिकन है बेसिकली, और अगर आप लोग ग्रेवी वाला चिली चिकन चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे कटोरी में 1 चम्मच से थोड़ा सा कम कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके रखी थी कुछ देर पहले, अभी मैं इस मिक्सचर को डाल दूंगी, और हाँ साथ में थोड़ा सा और पानी डालूंगी ताकि थोड़ा ग्रेवी आ जाए। लेकिन अगर आप लोग ड्राई चिली चिकन चाहते हो तो ये पानी वाला पार्ट स्किप कर देना, ठीक है? तो ये ड्राई चिली चिकन बन जाएगा और पानी डालने से बन जाएगा ग्रेवी वाला चिली चिकन। देखिए कुछ देर चलाने के बाद हमारा चिली चिकन यहाँ पे एकदम बन के तैयार हो गया है। लग रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा, एकदम बढ़िया टेस्ट भी आई है गाइस, स्मेल भी बहुत अच्छी बनी है। चावल भी यहाँ पे हमारा बन गया है, देखिए कितना खुली खुली दानेदार यहाँ पे चावल बनी है। चावल को हमें वही सेम प्रोसेस है, 80-85% हमें इसको बॉईल करना है, फिर इसका पानी स्ट्रेन कर देना है,
आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि फ्राइड राइस को फ्राई किए बिना कैसे ये फ्राइड राइस बनेगा, लेकिन हाँ, बंगाली में हम लोग फ्राइड राइस को बिना फ्राई किए ही फ्राइड राइस बना लेते हैं। देखिए, पानी तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेन कर लिया है, अभी इसी चावल में ही मैं डाल दूंगी फ्राइड सब्जियाँ और काजू किशमिश सब कुछ। अभी घी डाल दूंगी, घी ना यहाँ पे एक बहुत ही मेजर पार्ट है इसका। आप लोग जितना चाहे आप लोग एकदम खुले हाथ से घी मिला सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस जितना होना चाहिए उतना ही घी डाल के ना इसको मैं कोई करची के मदद से मिक्स नहीं करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टिप्स है। करची के मदद से अगर आप इसको मिक्स करोगे ना तो सारे चावल टूट के 2-3 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ना आप ऐसे एक टावल के मदद से हांडी को पकड़ना और ऐसे ना इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं शेक करते हुए इसको मिला लेना। तो ये देखना धीरे 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 ना चावल के साथ सारे सब्जी और घी वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाएगा। देखिए हो गया ना एकदम परफेक्ट से। और यहाँ पे ऊपर से बस थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी, वैसे ही ऑप्शनल है लेकिन हमें धनिया पत्ता का फ्लेवर अच्छा लगता है हर एक सब्जी में तो हम लोग डालते हैं। चलिए अभी इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। एटलीस्ट जामा षष्ठी के दिन बहुत सारे टाइप के आइटम्स बना के तो मैं सौरभ को खिला नहीं पाई, लेकिन एटलीस्ट चलो कुछ तो स्पेशल बनाई ये सोच के मुझे अच्छा लग रहा है। फ्राइड राइस चिली चिकन उसको मैं थोड़ा सा बना के खिलाई तो अच्छे से प्लेटिंग तो बनता ही है आज। और कुछ कटोरी वगैरह कुछ भी मैं जूटा नहीं कर रही हूँ, साइड में ही मैं चिली चिकन और फ्राइड राइस ऐसे सर्व कर रही हूँ जो कि दिखने में अच्छा ही लग रहा है ना। तो आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई करना गाइज ये दोनों रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो। एकदम रेस्टोरेंट जैसा लुक आया है गाइज, और टेस्ट भी रेस्टोरेंट से कुछ कम नहीं है। सौरभ तो बहुत खुश है। सो अभी टाइम हो रही है शाम के 4:45 और मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। देखिए ड्रेस के मैचिंग पिंके पिंके क्लिप्स मैंने यहाँ पे लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे टाइप का क्लिप्स लगाना। तो मैं अभी कहाँ पे जा रही हूँ बताती हूँ। मैं और ज्योत्सना अभी हम दोनों मिलके जा रहे हैं एक मंदिर, हमारे घर के इधर एक श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का एक टेम्पल है, वहाँ पे ज्योत्सना यूजुअली जाती है। तो उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी चलो, तो मैं भी जाती हूँ कभी कभी, उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं फ्री भी हूँ, वैसे भी मूड अच्छा भी है, तो क्यों ना थोड़ा सा घूम के ही आते हैं। तो हम दोनों अभी जाने वाले हैं। सौरभ तो चला गया है ऑफिस, लंच के बाद ही तुरंत वो निकल गया है ऑफिस के लिए। तो अभी बाहर थोड़ा सा धूप है, आज पता नहीं क्यों अचानक से इतना ज़्यादा धूप हो गई है ना बाहर। मैं कुछ कपड़ा वपड़ा धो के भी यहाँ पे सूखने के लिए रखी थी, ये तो ऑलरेडी सूख गया है, लेकिन अभी मैं उठाऊंगी नहीं। हम लोग घूम के आएंगे ना, उसके बाद मैं इन सारे कपड़ों को उठाऊंगी, फिर मैं फोल्ड करूंगी। तो चलिए 5 बजे जो उसने मुझे बोली थी नीचे आने के लिए, ऑलरेडी 4:45 बजे ही मैं एकदम रेडी होकर तैयार हो गई हूँ। तो नीचे चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो मुझे सीढ़ी से जाना पड़ेगा नीचे, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और हाँ, आते टाइम मैं कुछ थोड़ा सोच रही हूँ ग्रॉसरी, छोटा मोटा कुछ घर का ख़त्म हो गया है, क्योंकि मंथ एंड के टाइम पे जो होता है छोटे छोटे चीज़ें थोड़ा ख़त्म हो जाता है, चाय पत्ती एंड ऑल, तो वो थोड़ा एक दो चीज़ें सुपर मार्केट जाऊँगी तो वहाँ से ले लूँगी, और कुछ सब्ज़ी वगैरह ले लूँगी, सब्ज़ी घर पर ख़त्म हो गया है। चलिए निकलते हैं। सो मंदिर दर्शन हमारा हो गया है, ये है ज्योत्सना, और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं थोड़ा फूल वूल लेने के लिए घर पे पूजा करने के लिए। देखिए कितने टाइप के यहाँ पे रोजेज़ है, यहाँ पे है रेड कलर का, ये रहा ऑरेंज, और ये तो चंद्रमल्लिका है, 3 टाइप का चंद्रमल्लिका। व्हाट यू कॉल दिस फ्लावर इन योर लैंग्वेज? चामंती। व्हाट? चामंती। चामंती, ओके, वी कॉल चंद्रमल्लिका। थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 20 रुपये का, और ज्योत्सना ने ले लिया है 50 रुपीज़ का। और यहाँ पे ज्योत्सना के हाथ में है प्रसाद जो कि वो लेके जा रही है भैया के लिए। तो फ्लावर्स लेना हो गया, मंदिर में भगवान दर्शन भी हो गया है, ज्योत्सना ने यहाँ पे थोड़ा पार्लर भी गई थी आईब्रोज करवाने के लिए वो भी हो गया, और अभी यहाँ पे आ गए हैं एक मछली के शॉप में। क्या ले रहे हैं पता है? सौरभ के लिए सरप्राइज वाला एक मछली ले रहे हैं जो कि उसका फेवरेट है, हिलसा। हिलसा मिल गया है यहाँ पे, वैसे छोटा साइज़ का है, दाम भी ठीक ठाक ही है, 800 रुपये का कुछ किलो आ रहा है। तो मैं जो ले रही हूँ वो 500 ग्राम का है, इससे बड़ा उनके पास है भी नहीं हिलसा, तो यही वाला ही मैं ले रही हूँ। सौरभ कल जब आएगा ना ऑफिस से, जब मैं उसको हिलसा डायरेक्ट बना के सर्व करूँगी उस टाइम पर सरप्राइज हो जाएगा वो। आई टोल्ड यू ना दैट फिश इज सौरभ फेवरेट। और भी बहुत सारे मछली है, पापता है, टेंगरा है, पारशे, भोला, भेटकी, बहुत सारे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं हिलसा ले रही हूँ। चाहिए? हाँ तेल चाहिए। लेट ऑयल इनसाइड दैट फिश टमी।
सब्ज़ी लेना हो गया है। और अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नारियल पानी पीने के लिए। बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है, बहुत आज चले हैं हम लोग, तो यहाँ पे नारियल पानी एक यहाँ पे पियेंगे और एक घर के लिए लेके जाएंगे। इज इट गुड स्वीट? ओके। फाइनली आ गए हैं घर। ट्रस्ट मी गाइस, बाहर इतना ज्यादा गर्मी है ना, लास्ट कुछ दिन से वेदर जितना ही अच्छा था बारिश की वजह से, आज सुबह के टाइम से उतना ही ज्यादा गर्मी है। तो मार्केट में जाके ऐसा लग रहा था कुछ देर बाद कि कब तक हम लोग घर पहुंचेंगे, इतना ज्यादा गर्मी है और ऊपर से ये बैग वगैरह लेके ना और भी ज्यादा चलना मुश्किल हो जाती है। तो घर तो आ गए हैं, अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा ठीक कर लेते हैं और थोड़ा फ्रेश भी होना है। बाहर जाके एकदम स्वेटिंग हो गई हूँ, अभी थोड़ा ड्रेस चेंज करना है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार बॉडी वॉश भी कर लूँगी, और वहाँ पे तो मैंने एक कोकोनट ऑलरेडी पी है, कोकोनट वाटर, और दो घर पे लेके आई। पहले मैं एक लेके आ रही थी, फिर याद आया कि अरे सौरभ को भी पसंद है, तो कल सुबह के टाइम पे चाय नहीं पियेंगे, कोकोनट वाटर पियेंगे दोनों, एम्प्टी स्टमक, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। और जो गर्मी पड़ी है ना, कोकोनट वाटर पीना भी चाहिए। मैं तो आप सबको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ कोकोनट वाटर पिया कीजिए इस मौसम में। और यहाँ पे तो भगवान के लिए मैं जो फूल खरीदी थी वो फूल तो है ही, इसको थोड़ा सा गंगा जल इसमें छिड़कना है, उसके बाद रखना है भगवान के उधर, क्योंकि मैं सेम बैग में सब्जी वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ ना, मछली सिर्फ अलग लेके आई हूँ, सब्जी के बैग में मैं फूल लेके आई हूँ, नहीं तो क्या करूँ मैं, मेरे हाथ में जगह ही नहीं था पकड़ने के लिए। और यहाँ पे मिल गया है ये रेड कलर का साग, इसको एक्चुअली यहाँ पे लाल साग बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है जो लोग बंगाली हैं, ये एक्चुअल लाल साग नहीं है। हमारे वेस्ट बंगाल में लाल साग कुछ अलग होता है ना, जो कि बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला मिलता नहीं है, बहुत रेयर मिलता है, जिस वजह से ये थोड़ा लाल लाल होता है ना, तो ये वाला हम लोग लेके आ जाते हैं। तो ये 10 रुपये का वो लोग दिया है, यूजुअली 20 रुपये का लेते हैं, लेकिन मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से शेयर की थी ना कि जब भी मैं जोशना के साथ जाती हूँ तो वो लोग थोड़ा कम प्राइस में देते हैं, तो ये मुझे 10 रुपये में इतना सारा दिया है, यूजुअली देते नहीं है वो लोग। और इवन ये नारियल पानी भी हमेशा 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ ऐसे करके लेते हैं, इतना छोटा छोटा नारियल देखिए 40-50 ऐसे करके लेते। तो जोशना के साथ गई थी ना, शायद 30 रुपीज़ ईच का उन्होंने मुझे दिया है, विच इज़ गुड, 30 रुपीज़ में नारियल मतलब ठीक ही है। और ये है हिलसा फिश, इसको अभी धोऊंगी नहीं, इसको अभी फ्रिज में ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि बोलते हैं कि हिलसा मछली अगर जिस दिन बनाओगे ना उस दिन धोने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, मतलब अगर आप कल बना रहे हो और आज इसको वॉश करके फ्रिज में रख रहे हो तो इसका ना 50% टेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही पैकेट के साथ ही फ्रिज में रख दूंगी, कल जब दोपहर के टाइम पे मैं लंच में बनाऊंगी ना तब इसको मैं निकालूंगी, और उस टाइम पे ही वॉश करके एकदम फ्रेश बनाऊंगी, तो ऐसा लगेगा कि फ्रेश मछली है। तो ये था हमारा छोटा सा आउटिंग जोशना के साथ। अच्छा लगता है ना, कभी कभी बाहर जाते हैं थोड़ा घूमना फिरना, कुछ नहीं थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग कर लिया, कुछ ग्रोसरी वेजिटेबल शॉपिंग ही कर लिया, तो अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और साथ में इस ब्लॉग को भी पेंट करती हूँ, और कल मिलेंगे आप सबसे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।